वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन डिटेल एक्सप्लोर। और मैं आई हूँ काठमांडू, काठमांडू में पोखरा है। पोखरा के पास एक डेवी फॉल है, डेवीज फॉल है जहाँ फॉल वाटरफॉल है। और मैं पहले वहाँ जाने से पहले मैं खाना भूख लगी बहुत, सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट किया और लंच नहीं किया। तो मैंने यहाँ सामने ही एक है ना मारवाड़ी शुद्ध वेजिटेरियन का होटल है, तो यहाँ पूरा खाना नॉर्थ इंडियन फूड्स इंडियन फूड मिलता है। तो मैंने डोसा ऑर्डर किया, मसाला डोसा खा के फिर डेविस फॉल गया। तो ये मसाला डोसा है और मसाला डोसा का पूरा उन्होंने मसाला इधर अलग से रख दिया है। टेस्ट करती हूँ कैसा है। पहले सांभर का टेस्ट करती हूँ कैसा है। खट्टापन है, ठीक है। और ये ड्राई चटनी है, इसे नारियल को पीस के रख दिया, कोई तड़का उड़का नहीं लगाया, अलग चटनी और एक दी गई है। खट्टी मीठी कोई चटनी है, खट्टापन अच्छी लग रही है। डोसा का टेस्ट करते हैं। ओवरऑल ठीक है, मैं फिनिश करती हूँ आगे चल। चलिए मेरे साथ देखते रहिए डेविस फॉल कैसा है। बाद हम गुप्तेश्वर मंदिर, महादेव के मंदिर में आए, ये है और इसकी काफी मान्यता है, इसकी स्टोरी में आगे चल के बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो।
महादेव के दर्शन कर लिए हैं। अंदर काफी लंबी गुफा है और उसमें खूब जगह जगह से पानी बह रहा है। ये शिवलिंग है, कहते हैं यहाँ सती का अंग भी गिरा था और कुछ लोग कहते हैं कि पांडवों ने भी शिवलिंग बनाया था। ऊपर ना शेषनाथ का बना हुआ काफी ऊंचा शिवलिंग है, उसमें शिव और गौरी दोनों वास करते हैं और बगल में कुछ शालिग्राम रखे हुए हैं और उसी के अंदर एक जाके वाटरफॉल है जो ऊपर से तो दिखता है लेकिन कहाँ जाता है इसका पानी ये नहीं पता चलता। तो चलिए मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिए और भी अच्छे से वीडियो देखिए और मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।